जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो भी एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इनमें रोजाना बहुत सारे कलाकार काम के लिए मिलने आते हैं, ऑडिशन देने आते हैं, अपने फोटो मेल करते हैं, अपनी प्रोफाइल मेल करते हैं, और हर प्रोडक्शन हाउस का एक कास्टिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है इन कलाकारों का डेटाबेस संभाल के। कास्टिंग डिपार्टमेंट इन सब कलाकारों के ऑडिशंस, फोटो, प्रोफाइल, उसका डेटाबेस बना के उसको संभाल के रखता है। और जब भी प्रोडक्शन हाउस को कलाकारों की जरूरत होती है तो कास्टिंग डिपार्टमेंट उस डेटाबेस में से प्रोडक्शन हाउस की जरूरत के हिसाब से कलाकार छांट के उन्हें देता है। और अगर उनके डेटाबेस में उनकी जरूरत के हिसाब से कलाकार नहीं तो इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कास्टिंग एजेंसीज होती हैं, जो प्रोडक्शन हाउस को उनकी जरूरत के हिसाब से कलाकार प्रोवाइड करते हैं। इनके डेटाबेस में या कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू या कास्टिंग एजेंसीज के थ्रू इनको इनकी जरूरत के हिसाब से अगर कलाकार नहीं मिलता है तो ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालते हैं, और वो भी पेपर वगैरह में पब्लिसिटी नहीं करते, इंटरनेट पे, मेल पे या वेबसाइट्स में इस तरह से ऐड देते हैं जिसमें कैरेक्टर के हिसाब से विज्ञापन होता, कैरेक्टर के हिसाब से जरूरत दी होती है, कैरेक्टर की एज क्या है, उसका लुक क्या है, कैसा दिखना चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, जवान चाहिए, बुढ़ा चाहिए, बच्चा चाहिए, तो कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इनकी होती है। ऐसा नहीं कि कॉमन ऐड नहीं कि भाई कलाकार चाहिए और ऑडिशन चालू है, इस तरह से ये लोग ऐड नहीं निकालते, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई बिजनेसमैन चाहिए तो इस तरह से रिक्वायरमेंट होगी कि रिक्वायर्ड बिजनेसमैन स्क्रीन एज 45 to 50 years, rich look, must be fluent in English. इस तरह से रिक्वायरमेंट।